नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से कि देखिए डॉक्टर निशिकांत दुबे मनोज वाजपेयी यहां पर पहुंचे हैं। सर क्या कहिएगा जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ और सामने कपिल मिश्रा जी भी एक अरे साइड अरे यहाँ आप देख सकते हैं कि काफी जो है भीड़ है, बात करने में मुश्किलें हो रही है। मनोज तिवारी भी हैं यहाँ, देखिए लगातार जो है। सर क्या कहिएगा, क्या एक फोटो से बेगुनाही साबित हो जाएगी जिस तरह से फोटो फैलाया जा रहा है? यहाँ देख सकते हैं कि लगातार जो है खबरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर अभी कोई बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो माहौल है उस माहौल में कहना है कि अभी बोलना कुछ मुश्किल है, राजनीति हो जाएगी। लेकिन फिर भी लगातार देखिए घर पहुंच रहे हैं, अंकिता के घर जो है डॉक्टर निशिकांत दुबे पहुंच रहे हैं और अंकिता के परिवार से मिलेंगे। ये तमाम तस्वीरें जो है ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कपिल मिश्रा यहाँ पर जो अंकिता के घर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं लाइव स्ट्रीम देखिए किस तरीके से निशिकांत दुबे जो है अंकिता के घर पहुंच रहे हैं। लुईस मरांडी भी साथ में हैं। लगातार देखिए सवालों के घेरे में झारखंड सरकार को निशिकांत दुबे ले रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये पूरी घटना हो जाती है और उसके बाद जो है यहाँ के जिला प्रशासन नहीं जगते हैं, तो ये तमाम बातें जो है निकल कर वो सामने आती है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी तस्वीर जी। तो लगातार जिस तरीके से वो घटना घटी उसके बाद मनोज तिवारी यहाँ पर पहुंचे, कपिल मिश्रा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सांसद निशिकांत दुबे खुद पीड़ित परिवार से यहाँ पर मिलने पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि 1 करोड़ का इन्होंने टारगेट रखा है और 27 लाख से अधिक यहाँ पर जो राशि है वो भी पूरे हो गए हैं। झारखंड सरकार ने इन्होंने कहा कि 10 लाख की राशि अगर पहले अगर दे दिया होता तो शायद अंकिता यहाँ पर मौजूद रहती। वो तमाम तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है परिवार से मिलने के लिए। ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो सीधी तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अंकिता के आप घर से यहाँ तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और आप समझ लीजिए कि क्या तस्वीरें होगी उस परिवार की, क्या स्थिति जिस परिवार की बेटी जो है अब यहाँ पर नहीं है। परिवार के लोगों से मिलने के लिए यहाँ पर तमाम लोग जा रहे हैं। देखिए परिवार से मिलने के लिए निशिकांत दुबे अंदर पहुंचे जो है परिवार के लोगों से मिलेंगे। काफी यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, यहाँ पे बातचीत कई लोग यहाँ पर हैं और पहुँच चुके हैं। क्या कुछ परिवार से बातचीत में होता है वो भी देखिए, परिवार के लोगों से मिल रहे हैं, परिवार के लोगों से मिलने के लिए अंदर गए। काफी संख्या में कार्यकर्ता लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सभी लोग जो है यहाँ पर थोड़ा भीड़ की स्थिति है, काफी लोग संख्या में लोग आए हैं जो कि यहाँ पर मिलने के लिए यहाँ पर गए हैं। वो तमाम तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर जो लगातार हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि काफी संख्या में वहाँ पर लोग हैं। हर वो चीज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए किस तरीके से उनके पिताजी हैं और यहाँ पे देख रहे हैं काफी लोगों से बातचीत कर रहे हैं और वो तमाम तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आगे इधर मेरे पीछे काफी संख्या में उनके दादाजी आपको दिख रहे होंगे, उनके पिताजी वहां पर आपको दिख रहे होंगे और इन लोगों से बातचीत किया जा रहा है, परिवार के लोगों से बातचीत किया जा रहा है। काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं अंकिता के परिवार से मिलने, सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, लुईस मरांडी, तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ में कार्यकर्ताओं का हुजूम है और पूरा का पूरा घर जो है पुलिस छावनी में भी तब्दील आपको देखने को मिलेगा। तो परिवार के लोगों से यहां पर मिल रहे हैं, वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पिताजी आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर जो कि थोड़ा शांत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी संख्या में भी लोग वहां पर मौजूद हैं, उसको देखते हुए देखिए सांसद निशिकांत दुबे आपको नजर आ रहे होंगे जो बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं।
और जो घटना घटी, जो निर्दलीय घटना जो आपने भी सुनी और लगातार खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, उसी घटना को लेकर के ये तमाम लोग मिलने यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ होगा, अंकिता को न्याय किस तरीके से मिलेगा? एक फोटो पर भी सवाल लगातार उठ रहा है कि वो फोटो, लेकिन यहाँ पर जनता जानना चाहती है क्या एक फोटो के वजह से उसका गुनाह छिप जाएगा? तो तमाम तस्वीरें हैं बातचीत की, वो तस्वीर जो लगातार वहां पर कर रहे हैं हम आपको लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं, किस तरीके से तमाम वो लोग हैं परिवार से वो बातचीत कर रहे हैं। अंकिता के घर से लाइव हैं और अंकिता के घर से वो तमाम तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। निकलने के बाद क्या कुछ कहते हैं ये लोग, वो भी हम आपको सुनाएंगे, बने रहें लाइव के माध्यम से। देखिए उनके पिताजी से निशिकांत दुबे कुछ बातचीत कर रहे हैं, वो तमाम तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। अंकिता के परिवार से मिलने पहुंचे और कयास लगाए जाए तीन लोगों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये लोग जो हैं आसानी से यहां तक पहुंचे, किसी भी प्रकार का कोई समस्याएं नहीं यहां पर हुई। निशिकांत दुबे हैं, साथ में मनोज तिवारी हैं, लुइस मरांडी हैं, और उसके बाद जो है कपिल मिश्रा भी यहां पर पहुंचे हैं। तो दिल्ली से ये तमाम लोग पहुंचे पीड़ित परिवार से मिलने। मनोज तिवारी हैं, कपिल मिश्रा हैं, वो तमाम तस्वीरें आपके स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। उनके पूरे परिवार देखिए किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, ये तमाम जो लोग पहुंचे हैं उनके परिवार से बातचीत कर रहे हैं स्क्रीन पर। मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे आपको साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे, और अंकिता की बहन है और उनके पिताजी हैं ये लोग जो है। मनोज तिवारी शांत करने रहने के लिए बोल रहे हैं, जो आक्रोश है लोगों में। देख सकते हैं कि निशिकांत दुबे जो है परिवार वालों के साथ बातचीत कर रहे हैं, ढांढस बना रहे हैं, संतावना दे रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये पूरा परिवार जो है अभी सदमे में है। और निशिकांत दुबे यहां पर पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं कि बातें हो रही हैं, सरकार को लगातार जो है निशिकांत दुबे कोसते नजर आ रहे हैं। अरे हाथ नीचे करो, एक मिनट यार, ये नहीं को बोल रहे हो। आप देख सकते हैं यहाँ मीडिया कर्मियों की जिस तरीके से भीड़ है, ये भीड़ में लोग जो है फुटेज लेने के लिए जो है जिस तरीके से कर रहे हैं, फुटेज नहीं आ पा रहा। यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी पहुंचे हुए हैं लगातार। निशिकांत दुबे देखिए, मनोज वाजपेयी, निशिकांत दुबे, माफ कीजिएगा, मनोज तिवारी हैं। क्या कहिएगा गोविंद, जिस तरीके से बातें चीतें हो रही हैं, क्या लगता है क्या बात हो रही होगी? परिवार से बात कर रहे हैं, वो पूरी घटना को सुना रहे हैं जिस तरीके से हुआ, खबरों के माध्यम से तो सभी ने देखा, उन्होंने भी देखा, लेकिन जो परिवार से सीधी बातचीत अभी कर रहे हैं, क्या समस्या है उनको और क्या मदद है, पूरी प्रकरण को उनके परिवार के लोग जो है। तो परिवार के लोगों से बातचीत जारी है वो, और वो परिवार किस तरीके से दुखी है वो पूरा परिवार,
कोशिश कर रहे हैं आप तक हम की वो तमाम तस्वीरें दिखा सकें। ये परिवार के लोगों से मनोज तिवारी हैं यहाँ पर मौजूद और कपिल मिश्रा हैं, लुइस मरांडी भी पहुंची हैं और साथ में है सांसद निशिकांत दुबे। तमाम लोग परिवार से बात कर रहे हैं और आप लोग भी जिस तरीके से कमेंट कर रहे हैं, हम आपके कमेंट को भी देख रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए और उस पर यहाँ पर बातचीत चल रही है कि क्या कुछ हुआ था उस दिन जब अंकिता सोई हुई थी तो खिड़की के से पेट्रोल छिड़क दिया गया और उसके बाद आप लोगों को पता है कि किस तरीके से अब वो यहाँ इस दुनिया में नहीं रही। इलाज का भी अभाव बताया जा रहा है। जब झारखंड सरकार, कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं, जब अंकिता तड़प रही थी तब झारखंड के सरकार के तमाम मंत्री विधायक पिकनिक मना रहे थे। इशारों में जो है अंकिता के पिताजी बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा कांड हुआ था, उसके बाद कितना क्षति पहुंचा था। देखिए किस तरीके से इशारों में जो है अंकिता के पिताजी बता रहे हैं, पूरी घटना से जो है पूरा परिवार मर्माहत है। निशिकांत दुबे भी देखिए मायूस दिख रहे हैं और मनोज तिवारी के भी देखिए शायद आंखों में आंसू आ गए हैं। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पूरा बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा, 28 लाख रुपये का मदद लेकर जो है निशिकांत दुबे जी यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए कि पूरा मीडिया कर्मी यहाँ है, पूरा भारत का मीडिया कर्मी है और पूरे देश को ये नजर भी आज जो ये लोग पहुंचे थे तो पूरे देश की निगाहें थी कि जब ये लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या होगा। स्थानीय विधायकों, यहाँ के विधायक का विरोध लगातार हो रहा है जो बसंत सोरेन है, क्योंकि जिस समय अंकिता तड़प रही थी बताया जा रहा है कि बसंत सोरेन भी जो है लतरातू डैम में आनंद ले रहे थे, तो उसको लेकर के भी ये तमाम तस्वीरें और उसके बाद भी ये तमाम जो लोग हैं आक्रोशित नजर आ रहे हैं, परिवार के लोग भी आक्रोशित हैं, आप भी देख रहे थे। बसंत सोरेन का भी बीच में किसी चैनल पर जो है एक बयान आता है जिसको लेकर लोग आपत्ति जता रहे हैं। हम अंदर जाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं क्या कुछ। बाहर की स्थिति देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा परिवार और पूरा गांव देखिए छत पर से नजर आ रहा है, पूरे जो घर में लोगों की यहां पर भीड़ लगी हुई है और अंदर में सांसद निशिकांत दुबे साथ में मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा सभी लोग जो है परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार बातचीत चल रही है। वो तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से देखिए यही है उनके पिताजी जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये पिता हैं उनके और इन्हीं से बातचीत चल रही है, जो तमाम घटना है उसको लेकर के चर्चा हो रही है। सीधी तस्वीर सीधा प्रसारण आपके स्क्रीन पर, वो तमाम चीजें जो घटी है जो घटना हुई है। मैडम पूरा देश अंकिता के साथ अभी खड़ा है, उनके परिवार वालों के साथ में खड़ा है, इंसाफ की बात हो रही है और जो फोटो है फोटो पर भी लगातार बहसबाजी चल रही है। तो एडिटिंग एडिटेड फोटो बताया जा रहा है परिवार के लोगों के द्वारा कि फोटो एडिटेड है और उस फोटो से उसकी जो है गुनाह उसका कम नहीं हो जाएगा, इसको लेकर के भी चर्चाएं लगातार जारी है। तो तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर, परिवार के लोगों से किस तरह बातचीत हो रही है वो तस्वीर आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे काफी लोग लगे हुए हैं, यहाँ पे काफी हम खिड़की के तरफ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मनोज तिवारी जी अंदर में बैठे हुए हैं और पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम दिखाने का प्रयास करेंगे। बाहर की भी तस्वीरें हम आपको एक बार दिखा दें, ध्यान कैमरा कीजिए बाहर की तस्वीर देखिए। तो ये तमाम लोग हैं इंतजार कर रहे हैं, मीडिया के लोग भी जब वो बाहर आएंगे तो क्या कुछ करते हैं। फिलहाल जो है परिवार के लोगों से बातचीत चल रही है लगातार और पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर जो है यहां पर इकट्ठा हो गया है और इकट्ठा होने के बाद अंकिता के जो पिता हैं वो बातचीत कर रहे हैं अंदर में। वो तमाम तस्वीरें हैं जो आपके स्क्रीन पर लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो माँ नहीं थी उनसे एक पिता है और एक दादाजी हैं और उनकी एक दादी है और दादाजी जो है कि उनका अंतिम संस्कार दादाजी के तरफ से ही किया गया था। जिस उम्र में कहा जाता है कि कन्या दान करने का एक सपना रखे हुए थे दादाजी, उस उम्र में उन्होंने कन्या दान करने के बजाय वो अंतिम संस्कार देते हैं, तो ये कितना बेहरम घटना है आप जान करके हैरानी हो जाएंगे। यहाँ पे काफी लोग हैं,
तस्वीरें जो आपके स्क्रीन पर है बहुत कुछ कहती है। तमाम पूरा भारत जो है अभी एक ही टकटकी दुमका पर यहाँ पर लगा हुआ है कि अंकिता के परिवार को अब किस तरीके से न्याय मिले, अंकिता को न्याय कैसे मिले। तो तस्वीरें हैं लगातार जो है। बातचीत लगातार कर रहे हैं, काफी समय से बातचीत चल रही है। परिवार के लोग आप समझ सकते हैं जब इस तरीके की घटना यहाँ पर निकल के आती है तो क्या हाल होता होगा। परिवार पर क्या बीतती होगी वो भी आप समझने की कोशिश करें। उनके दादाजी की अगर बात करें तो उनके दादाजी ने ही उनको मुखाग्नि दी है। आप समझिए कि जिस पोती को उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाया होगा, जिस बताया जाता है जब सुनते होंगे आपकी कि पिता से ज्यादा जो है दादा प्यार करते हैं बच्चों से, और उस दादाजी को जब उनकी मुखाग्नि देनी कि नौबत आ गई होगी जिसका सपना होगा कि अच्छे घर में उसकी शादी की जाए, और उस दादाजी को जब अपनी पोती को मुखाग्नि देनी पड़ी तो क्या उस बूढ़े व्यक्ति पर गुजर रहा होगा, उसकी दादी पर क्या गुजर रही होगी आप समझ सकते हैं। अंकिता की माँ भी नहीं है, उनका भी देहांत पहले हो चुका है, तो आप समझिए और कि क्या कुछ हो सकता है। तमाम तस्वीर हैं आपके स्क्रीन पर, लगातार कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाएं। जो लोग इस खबरों पर निगाह बनाए हुए हैं, पूरा देश की निगाहें जो है अंकिता के घर पर टिकी हुई है कि क्या किस तरीके से अंकिता का परिवार इस सदमे में है। पूरे झारखंड के साथ देश जो है इस निगाहें बनाया हुआ है। कई लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो तस्वीर है। तो तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं क्लियर, जो अंदर से तस्वीरें हैं वो देखिए। परिवार के लोगों से क्या बातचीत चल रही है, लगातार जो परिवार के लोग हैं वो बात कर रहे हैं। अंकिता का पूरा परिवार है यहाँ, और उसके साथ में सांसद निशिकांत दुबे उनके पिता आपको दिख रहे होंगे, जिनसे लगातार बातचीत चल रही है। उस अंकिता की बहन भी मौजूद है, उनके दादाजी बूढ़े दादा है वो मौजूद है, और सभी जो है लगातार सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा सभी जो यहाँ पर पहुंचे हैं सभी लोगों से बातचीत लगातार कर रहे हैं। न्याय की मांग है, अंकिता को न्याय मिले, उनके परिवारों को न्याय मिले। जिस तरीके से बेरहमी से की गई है उसकी हत्या, उसको लेकर के तस्वीर है अंकिता के घर से। पूरा परिवार है उनका, घर पहुंचे हैं उनके परिवार के लोग और बातचीत चल रही है यहाँ से। जो आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा है, पूरा शहर यहाँ पर इकट्ठा है, देश के तमाम मीडिया यहाँ पर मौजूद हैं। हर एक चैनल पर एक ही चीज चल रहा है अभी, अंकिता के घर से जो घटना घटी। उसको लेकर के बातें चल रही है। देखिए लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं उनके पिताजी के साथ, और अब जो है बाहर घर
घर से तस्वीर है। संजीव भैया, संजीव भैया बता दीजिए, तुम नाम भाई लोगों को बहुत मदद किए थे आपका परिवार, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब आइए सब बाहर आए, तो बाहर आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं सभी जो है। सभी जो है वो बाहर आ रहे हैं, बाहर आने के बाद क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ बातचीत हुआ वो आपको बताएंगे। फिलहाल वो तमाम तस्वीरें थी जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे थे, परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे थे। अब जो है बातचीत होने के बाद बाहर आ रहे हैं, क्या कुछ होगा, क्या कुछ बातचीत किए वो आप तक पहुंचाएंगे, आप तक बताएंगे जब तमाम लोग जो है बाहर आ रहे हैं। देखिए तमाम लोग किस तरीके से यहाँ पर भीड़ की स्थिति है, घर पर जो है पूरा देश का मीडिया यहाँ पर मौजूद है, हमको भी क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनाएंगे आपको। निशिकांत दुबे जब मनोज तिवारी कपिल मिश्रा ये तमाम लोग जब बाहर आ रहे हैं परिवार के लोगों से बातचीत करने के बाद क्या कुछ कहेंगे वो आप सुनिएगा। लाइव के माध्यम से लगातार बने रहे, पूरा देश का नजर जो है टकटकी बांध के अंकिता के घर की तरफ इस वक्त बनाए हुआ है। पूरा गाँव देखिए, सभी अपने अपने घरों से देख रहे हैं और ये उनका घर है, उनके घर से ये सीधी तस्वीर आपके स्क्रीन पर लगातार हम पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं आने के बाद वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, वो भी आपको सुनाएंगे। परिवार के लोगों से मुलाकात की जा रही है, उनको बताया गया पूरा घटनाक्रम किस तरीके से, यहाँ पर परिवार के लोगों से ये तमाम लोगों ने सुना और वो दुखद घटना जिस तरीके से घटी थी उनके बारे में जानकारी ली गई और अब बाहर आ रहे हैं। बाहर आने के बाद वो बातचीत करेंगे मीडिया के लोगों से, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो तस्वीर है आपके स्क्रीन पर कैमरामैन वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाहर आ रहे हैं वो तमाम लोग, तमाम मीडिया के लोग भी है जो कवरेज करने के लिए यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर, वो तस्वीर जिस तरीके से वो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं बातचीत करने के लिए आएंगे, मीडिया के लोगों से बातचीत करेंगे। घर की तस्वीर, अंकिता के घर की तस्वीर है, सीधी है और छत पर देखिए एक हनुमान है आपके स्क्रीन पर, वो भी ये तमाम नजारा देख रहे हैं। ये भी पहुंचकर भीड़ को देख करके और हनुमान को यहाँ पर देखने के बाद, बंदर को देखने के बाद जैसे राम के नारे भी लग रहे हैं। अंकिता के घर से ये सीधी तस्वीर है। जा रहे हैं मिलने के लिए, ग्रीन एडमिशन हुआ सिद्धू कानू स्कूल में, बताइए सर आज का एडमिशन। सिद्धू कानू स्कूल में उनका एडमिशन किया गया है फ्री में और आज ही 12th स्कूल भी यहाँ पहुंचे थे। मेहनती है पूरा परिवार पढ़ने में, अंकिता भी जिस तरीके से आपको बता दें कि तेज थी पढ़ने में, भाई था उनका वो भी आया है। आपके रहते कैसे घर बना जाएंगे सांसद, सेट कीजिए राइट हैंड। घर की तस्वीर है, बातचीत लगातार जारी है, परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं सांसद निशिकांत दुबे हो, कपिल मिश्रा हो या फिर उनके साथ में जो मनोज तिवारी पहुंचे हैं वो। ये
हम मानते हैं कि आप हैं, बाहर आ रहे हैं अब धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। देखिए बाहर की क्या तस्वीरें होंगी, क्या कुछ कहेंगे वो भी आपको सुनाएंगे। जब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मीडिया के तमाम लोग भी हैं और सभी लोग जब बाहर आ रहे हैं तो बाहर आने के बाद क्या कुछ बातचीत होती है, तमाम लोग हैं। देखिए देश के तमाम मीडिया के लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और सभी बाहर आ रहे हैं। बाहर आने के बाद क्या कुछ बातचीत होगी वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे, क्या कुछ कहेंगे। भीड़ काफी है, काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे क्योंकि पूरा देश का नजर इस कांड पर है। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर क्यों। आएंगे मीडिया के सभी लोग हैं। निकलेंगे बाहर उसके बाद, क्योंकि हम बाहर का नहीं है, दुर्गा का है, तो पहला बुकिंग दे सकते हैं। मैं आप लोग से तो अभी रिटायर में है, ज्यादा से ज्यादा क्या जिस तरीके से हेमंत सरकार 10 लाख रुपया देने का वादा किया और फास्ट 10 लाख रुपया तो सरकार को देना है, लेकिन पहले मुजरिम को पनिशमेंट होना चाहिए। भागीदारी बने जिस तरह से हमारी अर्पिता को आग लगा कर मारी गई है, उसी तरह से वह मुजरिम को आग लगा कर मारा जाए, तभी हमारी देश में हमारी राज्य में शांति व्यवस्था बनेगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। अगला दुश्मन नहीं डर पाएगा, दुश्मन को भय जो है से व्याप्त नहीं होगा। दुश्मन को भय व्याप्त करने के लिए जो जिस तरीके से अंकिता की मौत हुई उसके बाद आप भी चाहते हैं कि उसको भी उसी तरीके से जी बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह और उसी तरह उसको आग लगा कर मौत दिया, तो उसी तरह से इन लोगों को माने कि तब जाकर के अंकिता की आत्मा को शांति होगा और उनको न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। तो यहाँ पर तमाम लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं, पहली बार आवाज इन्हीं लोगों ने उठाया था, वो महिला लोग भी पहुंची हैं जिन्होंने आवाज उठाया इस पूरे मामले को। क्या कहिएगा जिस तरीके से पूरे मामले को आप देख रहे हैं? ये आवाज उठाए जब तक फांसी नहीं होगा आवाज उठले रहेगा, जब ऐसा करेंगे हम 15 दिन प्रशासन कोर्ट को समय दिए हैं, अगर 15 दिन में फांसी नहीं हुआ रहा, 2 दिन निकल गया है, उसके बाद हम लोग ऐसा विद्रोह करेंगे पूरा देश याद रखेगा। आरोपी को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिनको इनको मांगे जब तक फांसी नहीं हो जाती है तब तक लगातार आवाज इनका दबेगा नहीं, आवाज और जो है मुखर होकर आवाज और उठेगा। तो वो तस्वीर है आपके स्क्रीन पर लगातार जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं अंकिता के घर से, वो तस्वीर है। पूरा शहर पूरा गांव आप देखिए किस तरीके से टकटकी बांध करके जो है अंकिता के घर और उनके परिवार के लोगों पर बना हुआ है। सभी का जो है मदद लगातार मिल रहा है, चेक भी सौंपे हैं निशिकांत दुबे यहाँ पर, जो पैसा जो कलेक्ट हुआ था जी जो है वो राशि भी इन लोगों को दे दी गई ऑनलाइन के माध्यम से जैसा बताया जा रहा है। तो वो तमाम तस्वीर है जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं अंकिता के घर से, अंकिता के घर में उनके परिवार के तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं। बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने की जो है बातचीत लगातार उनके परिवार से कर रहे हैं, धीरे धीरे जब निकलते हैं फिर से रुक जा रहे हैं, परिवार के लोग कुछ कहते हैं तो उसमें जो है तमाम चीजें यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है। तमाम मीडिया के कितने लोग यहाँ पहुंचे हैं, पूरे देश का मीडिया यहाँ पर पहुंचा हुआ है। एक बार दिखाइए पूरा घर किस तरीके से, देखिए पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचा हुआ है। अब पूर्ण से परिवार से मिलने देश के ये तमाम वो मीडिया के लोग हैं जो दिल्ली से चलकर बाहर से चलकर के ये तमाम लोग आए हैं और सभी की निगाहें हैं एक तरफ, आप पूरे सभी जगह पर आप देखेंगे कि किस तरीके से ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। बाहर की स्थिति आप देखिए, कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो भी आप देख लीजिए कि परिवार के लिए कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरें हैं ये घर की तस्वीरें, घर जो है यहाँ पर पूरा ये जो हुजूम है ये मीडिया के लोगों का हुजूम है, उनके परिवार के लोगों का हुजूम है, जब निकल रहे हैं वो तमाम लोग। एक तस्वीरें इनके परिवार के लोगों को बार बार जो है आ रहे हैं परेशान करती है। जब उसको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था उस वक्त उसके चेहरे पर वो मुस्कान जो है बेचैन करने वाली वो तस्वीर थी जो परिवार के लोगों को बेचैन कर रही। क्या कुछ होगा आगे वो लगातार, अभी फिलहाल जो तस्वीर है आपके स्क्रीन पर वो मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे दिल्ली से मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, लुइस मरांडी भी हैं और साथ में निशिकांत दुबे सांसद वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बाहर में भी अंकिता के इंसाफ देने की जो है वो बनाते नजर आ रहे हैं।
आप सीधे लाइव घर से तस्वीर लाइव है। अंकिता कांड जिस तरीके से पूरा देश की निगाहें जो है इसी तरफ लगी हुई कि क्या होगा उस शाहरुख को, किस तरीके से उसको सजा मिलेगी, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरा परिवार किस तरीके से बातचीत कर रहा है और यहाँ पर घर की क्या स्थिति है, ये उनके घर के स्थिति है। सभी लोग जो है वो जब बाहर आएंगे तो क्या कुछ बोलेंगे उस पर भी निगाहें टिकी हुई है कि जब वो तमाम लोग यहाँ पर निकल कर आएंगे बाहर जो बात करने गए हैं। और लगातार बाहर में भी अंकिता को इंसाफ दो के नारेबाजी यहाँ पर लोग कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, देश विदेश के तमाम मीडिया के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। देखिए अंकिता के घर से तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर लगातार आप लाइव के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे एक एक पल की रिपोर्ट जो है। और आपके कमेंट को भी हम देख रहे हैं, जिस तरीके से आप फांसी की बात कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। बाहर आने जब आएंगे और उसके बाद क्या कुछ कहेंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, वो भी हम आप तक सुनाएंगे कि जब बाहर आएंगे सांसद निशिकांत दुबे, देखिए बाहर निकल रहे हैं, निकलने के बाद क्या कुछ कहेंगे वो भी आप जरा सुनिएगा। सांसद निशिकांत दुबे अब धीरे धीरे करके जो है बाहर आ रहे हैं, बाहर आने के बाद क्या कुछ कहेंगे। ठीक है भाई, एक मिनट सर, आइए सामने आइए। अरे हाँ सर, क्या कहेंगे आज जो यहाँ आए इसके बारे में? दुमका में इस तरह की हैवानियत भरी घटना छोड़ दो, और जिस तरह की खबरें आ रही हैं ये हैवानियत कोई हिंदू मुसलमान का नहीं है। ये हैवानियत जो है वो देश तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं PFI से लेकर बांग्लादेश और पाकिस्तान की ISI, वो सभी संथाल पुणा में जिस तरह से एक्टिव है और उसने जो एक प्लान बनाया है, जैसे मैंने अभी पार्लियामेंट में कहा था कि साहबगंज में आदिवासी महिला के नाम पर वो सीट रिजर्व है जिला परिषद की, लेकिन उसकी जो शादी हुई है वो एक मुसलमान से भी, तो चाहे आदिवासी बच्चियां हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट बच्चियां हैं और चाहे वो आम हिंदू बच्चियां हैं, वो कोई भी सुरक्षित नहीं है। और इन लोगों ने जबरदस्ती करने का जो एक प्लान बनाया है, इस देश को अलग करने का जो प्लान बनाया है, और बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर जुड़ा हुआ है, चाहे वो मालदा है, चाहे मुर्शिदाबाद है, चाहे किशनगंज है, चाहे कटिहार है, चाहे गोड्डा है, चाहे वो पाकुड़ है, साहबगंज है, और ये दुमका है, जामताड़ा है या देवघर है, ये संथाल परगना को उन लोगों ने एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया है। और ये जो घटना है, ये घटना यही दिखा रहा है कि मुस्लिम अपीजमेंट पर जो ये सरकार चल रही है, कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। आज हम वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी जी और कपिल मिश्रा जी, जिन्होंने क्राउड फंडिंग की, हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये सभी लोग आज इस परिवार से मिलने के लिए आए। इस परिवार को हम लोगों ने, कपिल मिश्रा जी ने जो कैंपेन चालू किया था मनोज तिवारी जी के साथ हमारे साथ, उसमें 28 लाख हमने दिया है। और हमने ये कहा है कि हम इस केस को अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे। जो यहाँ के सोरेन परिवार का रवैया है वो बहुत ही घटिया और निकृष्टतम है। इस दुमका ने सोरेन परिवार को सोरेन परिवार बनाया, इसी दुमका ने उनके पिताजी को, मुख्यमंत्री के पिताजी को विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, खुद हेमंत सोरेन जी यहाँ के विधायक रहे, उनको भी यहाँ विधायक बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, आज उनके भाई विधायक हैं। और जिस तरह से वो नहीं आए और जिस तरह से वो मटन भात खा रहे हैं, मुर्गा भात खा रहे हैं और दारू पिला रहे हैं अपने विधायकों को, ये अत्यंत घटिया और शर्मनाक है। और हम इस परिवार के साथ हैं और इसकी लड़ाई हम अंतिम दम तक लड़ते रहे। सर, कल बाबूलाल मारांडी जी ने ट्वीट किया था कि कुछ ऐसे तंजीम है जिनके साथ गुनाहगारों के हो सकते हैं लिंक, खास करके ABT की अगर बात करें, अनवरुल बंगला टीम या दूसरे PFI जैसे संगठन, आप इसको किस तरीके से देखते हैं?
मैं 2009 से जब से सांसद बना, आजकल पार्लियामेंट में जो बोला जाता है वो सब पब्लिक डोमेन में, 2009 से लेके आज मैं 2022 में जब खड़ा हूँ, तो पिछले 13-14 साल में मैं कम से कम 200 बार पार्लियामेंट में ये बात बोल चुका हूँ कि ये पूरा का पूरा जो संथालपना है इसकी डिमोग्राफी बदल रही है। बांग्लादेश के साथ जो इसका एरिया सटा हुआ है और जो बांग्लादेश जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, चाहे वो मालदा है, चाहे मुर्शिदाबाद है, चाहे बिहार का इलाका है, किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है, या हमारा जो इलाका है गोड्डा है, पाकुड़ है, साहबगंज है, ये सारे जगहों का डिमोग्राफी चेंज हो रहा है। हमारी बहू बेटियों के साथ वो शादी कर रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा कि ये अलग देश का मांग करेगा और एक मुस्लिम देश की तरफ ये देश बढ़ रहा है और इसके ऊपर माननीय गृह मंत्री जी ने संज्ञान लिया है। यदि आपको ध्यान हो, आज से 7 दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी ने बैठक ली है और उन्होंने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से पिछले 10 साल में क्या डिमोग्राफी चेंज हुई है उस पर किया है। ये मोदी जी की सरकार है, हम इस तरह के तत्वों को आगे नहीं बढ़ने देंगे और वो सभी सलाखों के पीछे हैं। सर आप बताइए क्या योजनाबद्ध तरीके से किया गया ये पूरी घटना, योजनाबद्ध तरीके से की गई घटना? देखिए हम सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर आज इसलिए आए हैं कि निशिकांत दुबे जी ने आह्वान किया था और एक इंटरनेट पर कैंपेन चलाया गया, जिस कैंपेन के माध्यम से लगभग 28 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं जो अंकिता जी के पिताजी के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। पूरी दुनिया से हजारों लोगों ने इस परिवार के लिए अपने संदेश, अपनी संवेदना और अपनी सांत्वना भेजी है। दूसरी चीज, अभी परिवार से बात की है, उनके पिताजी से बात की, उनकी बहन से बात की, उनके दादाजी से बात की है। मैं ये कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री कहाँ है? मुख्यमंत्री कहाँ है? झारखंड के ये दरवाजे पे अभी तक आके खड़े क्यों नहीं हुए हैं? और उनके भाई तो यहाँ से खुद एमएलए है, वो कहाँ पर हैं? क्या ये बेटी का नाम अंकिता है इसलिए नहीं आ रहे? अगर ये नदीम अंसारी होता तो यहाँ मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट इस दरवाजे पे खड़ी होती? सरकार का हेलीकॉप्टर नदीम अंसारी के लिए गया तो अंकिता के लिए क्यों नहीं गया? वो बच्ची मरने वाली नहीं थी, किसी स्थिति में अंकिता मरने वाली नहीं थी। अंकिता का बयान, अंकिता का वीडियो पूरे देश ने देखा है, वो बोल रही थी, वो बात कर रही थी, आराम से उसको ठीक किया जा सकता था। अगर सरकार गंभीर होती, सरकार अपनी पिकनिक मना रही थी और वो बच्ची यहाँ तड़प रही थी, क्या इस प्रकार से आप, अगर नदीम अंसारी के लिए हेलीकॉप्टर आ सकता है तो अंकिता के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया? दुनिया में कहीं भी लेके जाते इलाज कराते बच्ची का, एक बच्ची आंखों के सामने तड़प तड़प के बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी और आप उसे मरने दे रहे हो? आपके पास अभी टाइम नहीं है इस दरवाजे पे आके खड़े होने का, आपके पास टाइम नहीं है। आपका भाई यहाँ से एमएलए जीता हुआ, इस दरवाजे पे आना उनका धर्म बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है इस दरवाजे पे आके परिवार के कंधे पे हाथ रखना, ये मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री के भाई का धर्म बनता है। और मेरे को ये कहना है कि आज ये पूरी दुनिया साथ खड़ी है लेकिन सरकार साथ नहीं है। पूरे दुनिया के लोग अपने संदेश भेज रहे हैं, सांत्वना भेज रहे हैं, लेकिन सरकार गायब है। ये बहुत पीड़ा की बात है और झारखंड में ये पहली बार नहीं हो रहा है। झारखंड में इस प्रकार की घटनाएं बार बार देखने में आ रही हैं। पीएफआई का एंगल सामने आ रहा है, बांग्लादेशी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का एंगल सामने आ रहा है, लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। ये लव जिहाद का मामला है, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही लव जिहाद के एंगल से? आप इसको रफा दफा कर दें। चुना हुआ विधायक बोल रहा है कि मामला हो गया, शाहरुख की गिरफ्तारी पे मामला खत्म होगा क्या? मास्टरमाइंड क्यों, कौन है? ट्रेनिंग देने वाला कौन है? ऐसे पेट्रोल डाल के आग लगाना बिना ट्रेनिंग का काम नहीं है ये किसी सिरफिरे आशिक का काम नहीं है, ये सुनियोजित मर्डर है। इसमें लव जिहाद के एंगल से जांच होनी बहुत जरूरी है और ये समझना होगा कि जो भी लोग इस मामले पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं वो तुष्टिकरण की वो गलती कर रहे हैं जिसकी कीमत हम सबकी बेटियों को और बहनों को चुकानी पड़ेगी। ये मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। सरकार क्यों खामोश है कपिल, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? आप कह रहे हैं कि जानबूझ के, क्या उद्देश्य होगा? मैं तो आपसे तथ्य रख रहा हूँ कि नदीम अंसारी का हेलीकॉप्टर आया कि नहीं आया, इलाज कराने भेजा कि नहीं भेजा, तो अंकिता के लिए क्यों नहीं उड़ा वो हेलीकॉप्टर, क्यों पिकनिक खत्म नहीं हुई सरकार की, ये पूछने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये पूछने के लिए आए हैं, अब तो बिटिया नहीं रही ना, अब इस दरवाजे पे आप नहीं आ सकते क्या? दो बूंद आंसू आपकी आंखों में नहीं दिख रहे? आपका एमएलए यहाँ से गायब है इलाके से। ये लुइस मरांडी जी खड़ी है परिवार के साथ, पहले दिन से खड़ी है, सब लोग देख रहे हैं। निशिकांत जी खड़े हैं यहाँ पर, मनोज जी दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आ रहे, विधायक नहीं आ रहे हैं। चुनी हुई सरकार मामले की लीपापोती कर रही है, डीएसपी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो डीएसपी अभी तक हटाए क्यों नहीं गए यहाँ से, कैसे अपने पद पर बैठे हुए हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है और पूरा देश आज दुमका की तरफ देख रहा है। पुलिस ने उम्र बढ़ा दी, क्या कहेंगे पूरे मामले पर? सर क्या कहेंगे पूरे मामले पर?
हम लोगों ने अभी बड़ी डिटेल्स में अंकिता जो हमारी बेटी जिसको जला दिया गया उसके पिताजी से बात किया हमने, उसके दादाजी से बात किए, उसकी बड़ी बहन से बात हुई, उसके छोटे भाई से बात हुई और उसकी दादी से बात हुई। पूरी घटना को देखते हुए मन इतनी पीड़ा से भर जा रहा है। निशिकांत दुबे जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने एक आह्वान किया इस बेटी के लिए, कपिल मिश्रा और सभी साथी इसमें लगे और हम एक 28 लाख रुपए की त्वरित सहायता इस परिवार को कर पाए हैं। लेकिन ये पूरी बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है सिर्फ अंकिता की ही नृशंस हत्या नहीं हुई है बल्कि यहाँ पे मानवता की भी हत्या हुई है और हो रही है, हर पल हो रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री की इतनी उदासीनता इस घटना के प्रति, जितनी सवाल उठ रहे हैं, अगर आप खुद भी जाकर के मीडिया बात करें उनके पिताजी से, तो बच्ची कहाँ सोई थी, कहाँ से उसका खिड़की खोला गया, कैसे पेट्रोल फेंका गया, कैसे उसमें सलाई मारी गई, कैसे टाइमिंग का पता चला होगा वो यहीं सोई हुई है, ये सारी चीजें एक सुनियोजित हत्या की तरफ इशारा करता है। और मैं बड़ा हैरान हूं कि झारखंड की सरकार का कोई चुना हुआ नुमाइंदा अभी तक यहाँ आया नहीं। वो सहायता क्या करेंगे जो कि यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ ये इस घटना में कड़ी जांच होनी चाहिए और दोषियों को ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे ऐसा अपराध करने वाले लोगों की रूह कांपे। और निश्चित रूप से एक सवाल उठ रहा है कि जिसने ऐसा कांड किया है, जो जिसका नाम शाहरुख है, उसके सारे रिलेशंस को जांच में लाना ही चाहिए। निशिकांत दुबे जी का, कपिल मिश्रा जी का जो इशारा है, मुझे लगता है वो बहुत गंभीर है। ये घटना जरूर दुमका के एक छोटे से मोहल्ले में हुई है लेकिन इसके तार बहुत लंबे दिख रहे हैं और आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है इस तरह की घटनाएं। तो हम तो इतनी दूर से दिल्ली से चल के यहाँ निशिकांत दुबे जी के साथ आए हैं। हमें पता चला लुइस मरांडी जी यहाँ शुरू से वो बता रहे हैं, यहाँ के जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो आकर के सांत्वना भी में भी खड़े हैं और साथ में हर लीगल लड़ाई लड़ने को खड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री या उनके किसी प्रतिनिधि का, चुने हुए प्रतिनिधि का ना आना एक बड़ा इशारा करता है। जब मैं बात कर रहा था और उसकी उसके पिताजी ने बोला, मेरा कलेजा फट गया है सर, वो कहते हैं मैं अपनी अंकिता को डोली में बिठा के विदा करने वाला था। जिस बेटी को, जिस बच्ची को डोली में बिठा कर विदा करना था, उसको अपनी आंखों के सामने जलता हुआ और मरता हुआ देखा। क्या इसकी गंभीरता को ये यहाँ की जो बेदर्द सरकार है समझ सकती है? मैं समझता हूँ हमने आज एक छोटा सा जरूर सहायता किया है निशिकांत दुबे जी के नेतृत्व में आह्वान पे, लेकिन हम इस परिवार के साथ पूरे समय खड़े हैं और जब तक इन शैतानों को, इन अपराधियों को और इनके कड़ी को, सबको सजा नहीं दिला लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठे। देश में अंकिता जैसी बहन को और ना हो, ऐसा घटना ना घटे, इसके लिए क्या कुछ करना? इसीलिए हम कह रहे हैं कि जांच इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए। जो निशिकांत दुबे जी जो बातें कह रहे हैं जितनी, वो सबके तह में जाना चाहिए। और यही नहीं कर रहे, ये तो इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, झारखंड के लोगों की वो चिंता करते हैं। मैं तो उनको नमन करता हूँ कि जिस स्तर पे वो ऐसे विक्टिम्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईश्वर उनको बहुत शक्ति दे निशिकांत दुबे जी को। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर कड़ी को जोड़िए, किससे किससे जुड़ा है, कहीं PFI से जुड़ा है, दूसरे देशों से जुड़ा है, इसको निश्चित रूप से ये एंगल लेने की आवश्यकता है ताकि दूध का दूध पानी का पानी। सांसद में एक ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए कि अगर कोई ऐसा घटना